हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रखर गुप्ता। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीजी फार्मा ज्ञान। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे करना है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से पेशेंट को डेंजर हो सकता है या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी फार्मास्यूटिक सीरीज से रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक जिसका नाम है सोर्स ऑफ एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक या त्रुटियां। मींस ऐसी कौन कौन से एरर्स होने के सोर्सेज हैं जिनकी वजह से प्रिस्क्रिप्शन में एक कंफ्यूजन पैदा होता है और जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, उन पॉइंट्स को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट होता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी ड्रग या शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ड। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है, इन मोस्ट प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइबर यूज द एब्रीवेटेड टर्म्स दैट लीड्स टू द मेजर एरर्स ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन बाय द फार्मासिस्ट। मींस मोस्ट ऑफ द जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उसमें जो प्रिस्क्राइबर होता है वो एब्रीवेटेड फॉर्म यूज करता है ड्रग्स का, जिसकी वजह से फार्मासिस्ट जब उसको इंटरप्रेट करता है या उसको रीड करता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें तो SSKI is the abbreviated term of saturated solution of the potassium iodide. Means, यदि pharmacist को इसका full form नहीं मालूम है तो वो confused हो जाएगा. So friends, the next point is name of the drugs. Means, some drugs name, especially brand names, looks or sounds same. बहुत सी ऐसी मेडिसिंस हैं, स्पेशली ब्रांड नेम्स, जिनका नाम एक जैसा हमें शो होता है या जब उनका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो एक जैसा सिमिलर साउंड करता है। जैसे कि एल्थ्रोसिन एंड एल्ट्रोक्सिन, एसिडिन एंड एपिडिन। सो फ्रेंड्स, यह भी हमें अवॉइड करना है प्रिस्क्राइबर के साइड से भी एंड फार्मासिस्ट के साइड से भी। थर्ड पॉइंट होता है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन एंड ड्रग। सो ड्रग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट इन वेरियस स्ट्रेंथ, सो विदाउट नोइंग द स्ट्रेंथ ड्रग शुड नॉट बी डिस्पेंस्ड। फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल 500 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, बहुत सारी ड्रग्स कई स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो यदि उसकी स्ट्रेंथ मेंशन नहीं की गई है प्रिस्क्राइबर के द्वारा तो बिना स्ट्रेंथ को जाने उस ड्रग को डिस्पेंस नहीं करना है। फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि उसको उसकी स्ट्रेंथ क्लियर करनी है प्रिस्क्राइबर से कॉल करके। फोर्थ पॉइंट होता है डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग। द सेम पॉइंट यहां पर भी है कि जो बहुत सारी ड्रग है वो डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स में अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, इंजेक्शंस एंड एक्सेट्रा। तो यह भी जरूरी है कि क्लियरली उसका डोजेस फॉर्म प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है डोज फ्रीक्वेंसी। डोज फ्रीक्वेंसी शुड क्लियरली मेंशन बिकॉज एज कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म्स SR डोजेस फॉर्म्स शुड बी गिवन वंस और ट्वाइस अ डे। SR मींस सस्टेन रिलीज, जिनका रिलीज स्लोली होता रहता है थ्रू आउट द डे। सो फ्रेंड्स, कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म्स की फ्रिक्वेंसी जनरली दिन में 2-3 बार हो सकती है, बट ये हमें ध्यान रखना है कि यदि सपोज यदि वो सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म है जिनकी जो रिलीज है वो थ्रू आउट द डे स्लो होता रहता है बॉडी में, तो उन ऐसे डोजेस फॉर्म्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 या 2 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होनी चाहिए दिन में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। समटाइम्स इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट्स आर मेंशन पार्शियली। मींस कभी कभी जो इंस्ट्रक्शन देने होते हैं पेशेंट को वो प्रिस्क्राइबर के द्वारा पार्शियली मेंशन किए जाते हैं, मींस आधा अधूरा लिखा होता है, जिसकी वजह से भी कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि डोज, डोज फ्रिक्वेंसी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मींस डोज कितना लेना है, डोज की फ्रिक्वेंसी क्या रखनी है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ये चीजें यदि पार्शियली मेंशन है, मींस यदि हाफ आधा मेंशन किया गया है, तो यह भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम्पैटिबिलिटी। इफ मोर देन 2 मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड, इट इज एसेंशियल टू चेक दैट देयर शुड नॉट बी एनी फार्मास्यूटिकल एंड थेरापेटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। मींस यदि एक या एक से ज्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है तो यह हमारी एक एसेंशियल ड्यूटी होती है फार्मासिस्ट की कि हमें उसकी इनकम्पैटिबिलिटीज चेक करनी है। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन जो मेडिसिन होती है उनको मिल्क के साथ में नहीं हमको लेना होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी सोर्स ऑफ एरर इन द प्रिस्क्रिप्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पोसोलॉजी, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1। तो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।